बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम अपनी नई वीडियो में कहानी फिर मुस्कुराए रंग की सातवीं किस्त का आगाज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सुहाना ने तेज़ी से गेट बंद किया, जो अब ज़ोर ज़ोर से कोई धड़धड़ा रहा था। खोलो गेट, खोलो, खुरदरी सी दबी दबी सी आवाज़ जो गले से फंस फंस कर बाहर निकल रही थी। सुहाना का दम हलक में आ गया। वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने की बजाय अंदर की तरफ भागी, जहाँ फुप्पी अम्मा मौजूद थीं। ए हाय पिटिया, क्या हुआ? फुप्पी अम्मा बौखला गईं। सुहाना सीधी उनके पास जाकर घुसी थी। बाहर भूत है, नहीं बल्कि जिन है, वो जो खुद ब खुद लंबा होता चला जाता है। सुहाना के दिलो दिमाग पर दो घंटे बेशतर सुनी गई जिन भूतों की कहानियाँ छाई हुई थीं। आलिया के पास हज़ारों किस्से थे, जो वो ज़्यादातर सुहाना के गोश गुजार ही करती रहती थी कि इससे बेहतर और बेजरर सामे इसे मैसर नहीं थी। क्या कह रही हो भन्नो, कौन है बाहर? ये देखें, गेट बजा रहा है ज़ोर ज़ोर से। इतना लंबा जिन है, इसका ना तो चेहरा नज़र आ रहा है ना ही सर। सुहाना के चेहरे पे खौफ के आसार थे। गेट पे अभी तक धड़धड़ हो रही थी। दीवानी हुई हो क्या? यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो और जिनों भूतों की बातें? अरे आज के दौर में इंसान से बड़ा जिन भूत और कौन है? फुप्पी अम्मा अपने तख्त से उठ खड़ी हुई। ज़रा देखूँ तो कौन सा जिन है बाहर जो अंदर आने के लिए गेट बजा रहा है। नानी जान रुकें तो। मगर वो सुहाना की फरियाद पे कान धरने की बजाय गेट की तरफ चल दीं। कुछ देर बाद वापस आईं और अपनी सल्तनत पे दोबारा विराजमान हो गईं। जहरा का लौंडा था, बारिश में भीग कर चूहा हो रहा था। तुम गेट काहे बंद कर आई थीं? फुप्पी अम्मा ने इसकी जिन वाली कहानी गालबन इतनी देर में फरामोश कर दी थी। होगा जहरा बहन का लड़का, मगर उससे पहले एक बहुत लंबा जिन था वहाँ। सुहाना अपने मौकिफ पे कायम थी। आंखों देखी कैसे झुटला देती, वही लम ढींग ऊँट का ऊँट किसी जराफे से कम थोड़ी है। फुप्पी अम्मा ने लापरवाही से बोलते हुए एक ही सांस में कई अलकाबाद से नवाज दिया, वही जहरा बहन का लौंडा। अच्छा, सुहाना की बेयकीन आंखें फुप्पी अम्मा पे मरकूज थीं। ये कमबख्त आलिया के किस्से क्या झूठे थे जिन्हें वो आप बीती कहकर आंखें फैला फैला कर यूं सुनाती थी कि सुनने वालों की अगर वो सुहाना जैसी हों तो भी आंखें फट जातीं और दिल धक धक करते, यकदम धक से रह जाते जब क्लाइमेक्स आता। हाँ तो और क्या, और इसकी जो मंगेतर है वो भी खूब लंबी है, लड़के के कंधे तक आती है। जराफे के कंधे तक? इतनी लंबी लड़की? सुहाना की आंखें बेयकीनी के साथ साथ हैरत से भी फैल गई थीं। हमारा कद तो 5 फुट से ऊपर गया ही नहीं। सुहाना उदास हुई, उसे अपने कद का बड़ा रंज था जो कभी कभी एहसास कमतरी में बदल जाता था। अरे इतना कद भी सही है, तुम्हें कौन से दरख्त पर चढ़े बगैर आम तोड़ने हैं? वैसे भी लंबी लड़की हो तो रिश्ता मिलना भी मुहाल हो जाता है, इसके जोड़ का देखना पड़ता है कोई लम ढींग। खैर नसीब हो तो मिल भी जाता है, जैसे जहरा बहन को बहू मिल गई है। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तड़ तड़ बरसती बारिश में कुछ और तेज़ी आ गई थी। सुहाना ने उठकर खिड़की से बाहर जायज़ा लिया। कमरों की पिछली जानिब छोटा सा आंगन था जहाँ किचन और बाथरूम वगैरह थे। आसमान से ज़मीन तक तनी हुई बारिश की स्याह चादर मजीद तारीख और तुंद हो गई थी। खंसा को वो मैसेज कर चुकी थी कि वो बखैर आफियत घर पहुँच चुकी है और नीचे है। अब खंसा के मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, पकोड़े बन रहे हैं, ऊपर आ जाओ, अभी आ रही हूँ। सुहाना ने फटाफट से उंगलियाँ चलाईं। जल्दी आओ, चटनी का सामान निकला रखा है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। खंसा का अगला मैसेज पढ़कर सुहाना के चेहरे के जाविये बिगड़ गए। यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई हूँ और डरी हुई भी। पकौड़ों के बेसन में थोड़ी सी मिर्चें और डाल लो, बाकी काम कैचअप से चला लेंगे। सुहाना ने जल्दी जल्दी मैसेज टाइप किया और फिर खिड़की से बाहर बरसती बूंदों को देखा। फिर नानी को मुखातिब किया, नानी मैं ऊपर जा रही हूँ, आप भी चलें, पकौड़े बन रहे हैं। चलो, कब से सोच रही थी, जहरा बहन को पूछने जाना था, बारिश शुरू हो गई तो मैं आराम से बैठ गई। नानी तो जाने के लिए तैयार बैठी थी। सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर पहुँचे तो नानी जहरा बहन के पोर्शन में चली गईं। सुहाना ऊपर आ गई, अम्मी पकौड़े बना रही थी, चटनी भी बनी हुई रखी थी। खंसा यूं ही मैसेज करके इसे डरा रही थी। सुहाना चेंज करके फ्रेश होकर आई और सबको अपनी रुदात सुनाई, जिसे पकौड़ों के साथ साथ सब इंजॉय कर रहे थे। आप ही का तो शुरू से यही हाल है, हॉरर मूवी देखने का शौक भी बहुत था और देखने के बाद अकेले कमरे से बाहर निकलते हुए भी डर लगता था, हर जगह भूत नजर आते थे। जिब्रान और खंसा हंस हंस कर इसका मजाक उड़ा रहे थे। अम्मी, सुहाना ने सदाए एहतजाज बुलंद की, ज़रूरत क्या है सहेलियों से फजूल कहानियाँ सुनने की, जब अपने दिलो दिमाग का तुम्हें मालूम है, हर चीज़ अपने हवासों पे सवार कर लेती हो। अम्मी अपोजिशन के साथ मिल गईं। अम्मी आप इन टॉम एंड जेरी का साथ दे रही हैं? सुहाना ने जिब्रान और खंसा को निशाना बनाया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के बकिया हिस्से के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।